हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? तो देखिए, मेरा चैनल जियो एडुकेशन ग्रुप पे आप सभी का वेलकम है। मैं नीतू कुमारी सिंह आप सभी का मेरे चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो मैं अपने चैनल पे जो है ऑल टीचिंग एग्ज़ाम का तैयारी कराती हूँ। तो जैसे आप जानते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जो है PGT, PRT और TGT का काफ़ी वैकेंसी निकला हुआ है, मैंने आपको बताया था। तो मैं हर सब्जेक्ट का जो है, देखिए, PGT का क्वेश्चन पेपर आपको दिखाती हूँ। आप पूरे क्वेश्चंस को, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 5 या 6 मिनट का वीडियो होता है फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन मैं आपको, आप एक बार गो थ्रू कर लेते हो, देख लेते हो किस तरह का क्वेश्चन कर रहा है। क्योंकि आप PGT लेवल का है तो आप ऑलरेडी उस सब्जेक्ट को पढ़े हुए, आपके पास वो नॉलेज, आप समझ सकते हो कि किससे क्वेश्चन ज़्यादा कर रहा है फ्रेंड्स। उम्मीद स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। बिल्कुल फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्ज़ाम में होते हैं जिसमें, कुछ एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या एक नंबर से छूट जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को हर रोज़ अपने आप को मोटिवेट करना है और नए एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है। क्योंकि देखिए, हर गलती से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। इस एग्ज़ाम का फ़ायदा आपको उस एग्ज़ाम में होगा। तो आप चलिए देखते हैं क्वेश्चन सब। तो देखिए, जैसे कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट है, सेंसरी एक्सपीरियंस इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलेशंस ऑफ रेस्पेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? विच इज़ फॉलोइंग टू स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न टाइप विद इंक्रीज एंड डिक्रीज लाइकहुड ऑफ हार्ट डिजीज रेस्पेक्टिवली। तो फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुंच सके। ये आप जानते हैं कि इसमें ए और बी दो पार्ट होते हैं। तो बी ये आपका सब्जेक्ट जो है उससे क्वेश्चन है, देखिए जैसे पियाजे का थ्योरी से क्वेश्चंस किया है, ठीक है। तो और आपका जो ए होगा वो PGT, PRT एंड TGT सभी में सेम होता है। तो मैं वो आप लोग को करवा रही हूँ मेरे चैनल पे, इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और इससे आपका फ़ायदा ही होगा। देखिए यहाँ डिफरेंस बिटवीन पूछा है, मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर इन स्टैटिस्टिक्स, इज स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन है इसमें। आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो। ऐसे मैं स्लाइड को धीरे धीरे ही ऊपर कर रही हूँ। देखो, ईगो, सुपर ईगो, ये इसके बारे में भी क्वेश्चंस है। पावर परफॉर्म, फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। आपके लाइक कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। देखिए, क्रिएटिविटी मीन्स क्या होता है? एबिलिटी, एटीट्यूड एंड इंसर्ट कैन मेजर्ड बाय। इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, प्रिपरेटरी सेट आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? प्रोजेक्ट टेस्ट से क्वेश्चन है। फ्लूड थ्योरी भी पूछा है, कॉग्निटिव थ्योरी से क्वेश्चंस है, एटीट्यूड,
देखिए, जनरलाइजेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन क्या होगा? डॉक्टर कृष्णा, एज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स इंक्रीज। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो किस लेवल का है। कंसेप्ट ऑफ आई क्यू वॉज गिवेन बाई किसने दिया था? और अगर आप चाहोगे फ्रेंड्स, तो मैं पीजीटी और टीजीटी साइकोलॉजी भी आप लोगों को करवाऊंगी। देखिए, नल हाइपोथेसिस से भी क्वेश्चन किया गया है। इंटेलिजेंस से क्वेश्चन है। द फर्स्ट पर्सन टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल इस क्लासिकल कंडीशन वाज, किसने दिया था? क्लासिकल, पावलोव, कोहलर। आई थिंक आप सभी जानते ही होंगे। आइए, आई डी इज द जस्ट डू इट, सुपर ईगो इज टू क्या है? फाइव फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? यहाँ गार्डनर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पूछा है, कौन सा है? और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर्स ऑफ चाइल्डहुड? ऑटिज्म कौन सा नहीं है चाइल्डहुड ऑटिज्म का? देखिए, इनकोप्रेसिस एंड ओवर रेटिंग, सेंसरी ब्लॉकिंग एंड इकोलेलिया, लैंग्वेज एंड लर्निंग डिफिशियंसीज, वायलेंट टेम्पर टेंट्रम। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये 100 क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ 5-6 मिनट में आपको करवाया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। फ्रेंड्स, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। तो आप नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें फ्रेंड, क्योंकि शेयर इज़ केयरिंग होता है। थैंक यू।